हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत। गाना सीखने की फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, यानी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो के अंत तक। हर मुलाकात पे महसूस यूं ही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। जी हाँ, गाना सीखने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो स्केल है वो डिसाइड करना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप आपका स्केल सिलेक्शन है। अब ये स्केल होता क्या है? आपको लग रहा होगा ये स्केल कहीं वो हिसाब किताब वाला स्केल की बात तो नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही है। ये आपकी आवाज़ की स्केल है, यानी आपकी आवाज़ का रेंज क्या है, बोल सकते हैं आवाज़ की पिच क्या है, वो फर्स्ट डे में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो आप ये कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये कैसे करेंगे? दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक हारमोनियम या तो एक कीबोर्ड, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के सहारे आप अपना स्केल, यानी आपकी आवाज़ कौन से स्केल में फिट बैठता है, वो डिसाइड कर पाते हैं। तो जैसा कि इन जनरली माना जाता है, जो मेल स्केल है वो सी शार्प है और जो फीमेल स्केल है वो जी शार्प है, पर ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं मोटे मोटे तौर पे ऐसा बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर मैं अपना सा सी शार्प मानता हूँ, तो उसकी जो ऊपर वाली सा है, यानी तार सप्तक की जो सा है, उसके आगे दो या तीन नोट अच्छी तरीके से जाना चाहिए और नीचे की तरफ दो या तीन नोट अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो मेरा जो स्केल है वो फिर माना जाएगा सी शार्प। वैसे बिल्कुल सेम फीमेल का जो जी शार्प है, उनका जो तार सप्तक का सा है, यानी कि ऊपर का जो सा है, उसके ऊपर दो या तीन नोट अच्छी तरीके से जाना चाहिए और नीचे की तरफ दो या तीन नोट अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो फिर माना जाएगा उनका स्केल है जी शार्प। तो मैं थोड़ा ये अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। तो चलते थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की तरफ नीचे। जी हाँ, ये जो नोट है इसको सी शार्प कहा जाता है, पहली ताली बोल सकते हैं आप इसको, फर्स्ट ब्लैक कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा यहां से आपको गा के दिखाता हूं। रे गा
मा पा धा नी सा रे गा यानी ये जो सा है इसके ऊपर दो या तीन नोट अच्छी तरीके से जाना चाहिए और ये जो सा है नीचे नीचे की तरफ जो सा है इसके नीचे की जो नोट्स है यानी मंद्र सप्तक में इसको मंद्र सप्तक कहा जाता है इसमें दो या तीन नोट अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। सा यानी ये सा से नीचे की तरफ आपको देखना है कहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है तो वो फिर आपका स्केल होगा। फिर आपका स्केल सी शार्प माना जाएगा या तो डी शार्प आपका जैसा रेंज होगा उसके हिसाब से। अभी मैं फीमेल का थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जी शार्प है या तो इसको काली चार कह सकते हैं फोर्थ ब्लैक कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा ये फीमेल जो स्केल है यहां से थोड़ा गा के दिखाता हूं। रे यानी ये सा के ऊपर दो या तीन नोट अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। सेम वैसे ही नीचे का जो सा है इसके नीचे दो या तीन नोट अच्छी तरीके से आना चाहिए। यानी ये सा से नीचे की तरफ दो या तीन नोट अच्छी तरीके से आएगा तो फिर आपका जो स्केल है वो जी शार्प माना जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं। जी हाँ, तो ऐसे करके आप अपना स्केल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। पर एक चीज़ है कि फर्स्ट डे से शायद आपका आवाज़ उतना ऊंचा ना पहुंचे या तो नीचे भी की तरफ ना आ सके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आप वो करें तो आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। पर एक चीज़ है, ये जो स्केल सिलेक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है और ये बहुत ध्यान से आप करिएगा क्योंकि आगे की सारी जो प्रैक्टिस है उसी के ऊपर होने वाला है। हाँ, इसी पिच के ऊपर आप खेलेंगे बोल सकते हैं। तो ये पिच अगर गलत हो गया, ये स्केल अगर गलत हो गया तो आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ है, जिनकी आवाज़ मैच्योर नहीं है वो सी शार्प ना चुने, यानी जिनका आवाज़ अभी
पतला है, खास करके जो मेल चाइल्ड है मैं उनके लिए बोलूँगा सी शार्प से आप प्रैक्टिस ना करें। मेल चाइल्ड के लिए जो फीमेल स्केल है जी शार्प या तो बी फ्लैट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बी फ्लैट यानी काली पाँच होता है, तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे का जो आवाज़ होता है वो बहुत पतला आवाज़ होता है और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के अगर गाएगा तो उसकी आवाज़ ख़राब हो सकती है, फट सकता है, या तो हस्की टाइप का नोट मतलब आवाज़ हो सकता है, तो आप उससे ना चुने, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और फीमेल चाइल्ड के लिए तो उनका फीमेल का जो स्केल है सही है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके आप बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मेरा कुछ नया वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।